कल्याण मैं क्या सर चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी और बाकी मौजूद जजों की बहाली से आजाद चीफ जस्टिस और बाकी जो साहबान की जो बहाली है वो अदलिया की आजादी की एक अलामत है, लेकिन अदलिया की आजादी इससे बहुत कुछ बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि नौकरियों की बहाली अदलिया की आजादी नहीं है, हमें जो चाहिए वो अदलिया की आजादी चाहिए, नौकरियों की बहाली नहीं चाहिए। 3 नवंबर के इकदाम जो अमरीत दौर में उठाया गया है, आज जो जमहूरी हुकूमत है वो तो क्या वजह है, इसको क्या रुकावटें हैं जिनके लिए ये तो अब जो इस वक्त हुक्मरान है इनको आप पूछें तो वो शायद इसका बेहतर जवाब दे सके। मेरी समझ के मुताबिक तो सिर्फ अगर नेक नियती हो किसी मकसद के लिए तो फिर तो कोई रुकावट उसमें नहीं होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं जो पीसीओ के तहत जिन जजेस ने हलफ उठाया वो भी अदलिया की आजादी की बहाली में रुकावट है? मेरे हिसाब से वो कोई ऐसी रुकावट नहीं है, क्योंकि वो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस तहरीक के साथ जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बहुत दूर तक चले हैं इस तहरीक के साथ। अगर उसमें से कुछ थक गया है तो वो उसका तो इतना कसूर नहीं है, लेकिन वो तहरीक के साथ चले हैं। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये तहरीक नौकरियों की बहाली नहीं है, ये तहरीक अदलिया की आजादी की तहरीक है, लोगों के जो बुनियादी हक है कि उनको इंसाफ मिले और एक आजाद अदलिया से इंसाफ मिले, ये उसकी तहरीक है। जब तक वो मंजिल नहीं पहुंची जाती, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता, उसके उसके उससे छोटी वजह तक जो भी कुछ होता रहे वो अदलिया की आजादी। सर तहरीक जो इस आज की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आप समझते हैं कि आप कामयाब हो सके? इंशाल्लाह। ये मेरी पहले तो आप ये देखिए, मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, ये तहरीक मेरी नहीं है, ये इस कौम की तहरीक है जिसकी रहनुमाई बुकला और सहाफी हजरात कर रहे हैं या सिविल सोसाइटी कर रही है। ये मेरी तहरीक नहीं है, लेकिन ये मेरा ईमान है और मैं ये तारीख से ये सबक लेके भी कह रहा हूँ कि जब तहरीकें इस किस्म की उठ खड़ी होती हैं तो फिर वो कभी कामयाबी के बगैर खत्म नहीं हुआ करती। इस पार्क के पास इनको जिस पेशे से मुंसलिक है।